24/7 नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आजमगढ़ सराय में नरेगा में कोटेदार द्वारा नहीं किया जा रहा है गल्ला वितरण। आइए बताते चले, खबर है उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ कोतवाली थाना सराय में क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नरेपुर का मामला सामने आया है कि कोटेदार रामफेर द्वारा समय से न ही गल्ला दिया जा रहा है। वहीं ग्रामवासी ने कोटेदार के ऊपर इल्जाम लगाया कि हर राशन कार्ड पर 5-5 किलो गल्ला काट लिया जाता है। कोटेदार द्वारा जब इसका विरोध ग्रामवासियों ने किया तो कोटेदार ने कहा कि आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, आप लोगों को जितना ही गल्ला मिलेगा। वहीं कोटेदार बोले, मेरा बहुत पहुंच बहुत ऊपर तक है। वहीं कुछ महिलाएं बोली कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरा अंत्योदय कार्ड है उस पर भी केवल 10 किलो गल्ला दिया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो मिलता है, लेकिन कोटेदार द्वारा केवल 10 किलो का वितरण किया जा रहा है। वहीं ग्रामवासी उपस्थित रहे सावित्री अक्षर अली, अतुल हरिराम, अरविंद तिवारी, दीपक सिराज, हरिचंद, सुनील कुमार मिश्रा, मोनू राय, आकाश सरदुल, अमृता संतोष यादव, केसरी रामधारी, जबुन दुर्गा प्रसाद, हीरा लाल, बलिराम, अरविंद अरविंद आदि लोग ग्रामवासी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं पीड़ित ग्रामवासी कोटेदार के बारे में क्या कुछ कहे, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आइए देखें विशाल मौर्य की खास रिपोर्ट। ग्राम सभा में यहां और जनता इसीलिए जुटी हुई है। इनके ऊपर मैं पुलिस अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जनता की आवाज़ सुनी जाए। नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि राशन नहीं मिलता। 5 किलो पर यूनिट, मतलब 5 यूनिट तो 25 किलो का है, 20 किलो देते हैं, ऊपर से कटौती भी करते हैं, और जो अगर जाता है तो इसका राशन कार्ड भी कटवा देते हैं, जैसे मेरा कटवा दिया है। प्रधान ये दोनों मिल गए और उस दिन 2-3 दिन पहले सप्लाई इंस्पेक्टर आ जो कि तेजपुर में ही अपना बयान लेकर मनरेगा के जो आदमी थे बयान लेकर चले गए और नरेपुर में नहीं आए। यहाँ पे जनता की थी वही कर रही है। हमारे गांव के जो है BDC जो है वो जो जब बात की उनके साथ गाली गलौज हुआ, उनको जब गाली गलौज से धमकियां दी गई, हम लोग को आम जनता है, हम लोगों को और धमकाया जाएगा, कहा जाएगा और FIR किया जाएगा, तो हम लोग शरीफ आदमी हम कहाँ तक कहाँ दौड़ेंगे बताइए। हम मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं उच्च अधिकारियों तक कि आप इनके ऊपर उचित कार्रवाई करके इनको दंडित किया जाए। आपको भी आपका परिचय? मेरा नाम हरिश्चंद है, ग्राम तेजपुर, ग्राम सभा नरेपुर और तेजपुर एक ही ग्राम सभा है, और प्रधान यहाँ की जो है वर्तमान प्रधान गीता राय है, उनके बेटे पंचायत मित्र अनुराग राय है, और हमारे गांव के BDC ज्ञान प्रकाश, इनकी माता BDC हैं, ये प्रतिनिधि हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम हरिश्चंद है। तो यूनिट पीछे 1 किलो गल्ला कम मिलता है, अगर कोई इस पर टिप्पणी करता है तो उनकी घर की महिलाएं जो है गाली देती हैं, अब महिलाओं के साथ कौन उलझेगा, अभद्र तरीके से वो भी गाली देते हैं, तो जो BDC के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? मुकदमा दर्ज कराया कोठेदार क्यों जी? कुछ लोगों को राशन दे रहे थे, कुछ लोगों को नहीं दे रहे थे, हमें भी नहीं मिला था, तो हमने कहा भाई आप लोग क्यों वापस आ रहे हैं, बोलते राशन नहीं दिया जा रहा, कुछ लोगों को दे रहे कुछ नहीं दे रहे, ऐसा कैसा? राशन तो सबको मिलना चाहिए, राशन आया होगा तो सबका आया होगा, तो हमने कहा चले जो चलो बात करते कोटेदार से, तो गए हम, कभी हमारा राशन दीजिए, बोलते राशन नहीं आया। हम कहे तब कैसे कुछ लोग आया कुछ लोग क्यों नहीं आया, तो इसी बोलते हैं कि नहीं दूंगा क्या कर लोगे, हम कहे कुछ नहीं तो नहीं करूंगा लेकिन दरखास्त तो दे दूंगा आपको, बोलते जाओ दोनों दे दो। फिर हमने वापस आया तो इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों से षड्यंत्र के द्वारा जाके SC ST लगवा दिए जो है। कुछ लोगों के द्वारा या जी, अपने परिवार से, मतलब अपने परिवार को दिखा के, मतलब दो 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 गवाहों को ले जाके जो है कि थाने पे SC ST लगवा दिए। हमें खबर नहीं, हमने चलो तू तू मैं हो गया, राशन नहीं मिला दोबारा देगा ही, लेकिन फिर जब वहां से पुलिस आई बोलते आपको जो है CO साहब ने फूलपुर तलब किया है, तो हमने जो है बोला किस सिलसिले में, बोलता है कोटेदार ने आपके जो है खिलाफ SC ST लगवाए बुलवाए, तो हमने कुछ जो है कि ये फूलपुर गए तो उन्होंने जो है कि सरामीर भेज दिए यशो साहब दिए चलान करके, फिर यशो साहब ने जो है उठा के भेज दिया मार्टिनगढ़, फिर मैं जो है कि मतलब जमानत करा के आए, फिर आजमगढ़ से कुछ जो कोर्ट कागज आ गया SC ST का, फिर जाके
मतलब कोर्ट बंद हो गया, बीच में 8 दिन के लिए छुट्टी हो गई थी, फिर 8-10 दिन के बाद फिर जाके वहाँ पे जमानत करवाया। चलिए ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फिर राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, राशन नहीं दिया जा रहा है हमें, बोलते तुमसे जब तक जेल नहीं भेजूंगा तब तक राशन नहीं मिलेगा आपको। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि जौन है कि राशन सबको बराबर आया, सबको आया, क्यों किसी का मुंह देख के देते, क्यों नहीं देते, ऐसा देते गरीबों क्यों नहीं देते? बस यही हमारा जन होता मत। हमारा नाम अफसर अली अंसारी, नरई का निवासी। ज्ञान प्रकाश नाम है सर, वर्तमान BTC हूँ सर। और सर मैं वोट के संबंध में सर मैं गया तो अंगूठा लगाने के लिए, तो उन्होंने अंगूठा लगाया और उसके बाद झगड़ा कर दिया सर और गाली गलौज दी मुझे। और मैं कहा सर जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जब हमको आप गाली दे सकते, आम गरीब जनता के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? किसी कोई सुनवाई नहीं की जा रही सर, हर यूनिट पे 1 किलो काटा जा रहा है, प्लस उसके बाद जो है हथौली भी की जा रही है। और हमने दूरसंचार द्वारा जो है माननीय जिलाधिकारी को अवगत करवाया कि सर ऐसी समस्या है हमारे यहाँ, हमको ये राशन नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो सप्लाई पर जो आदेश हुआ है तो आए, उसके बाद जो अभी तेजपुर में आकर के हमने बुलाया कि आप हमारे ग्राम सभा में आकर के नरेपुर में जनता से पूछिए क्या समस्या है, लेकिन वो आकर ना आकर के ग्राम प्रधान द्वारा मिली भगत से रामखेड़ द्वारा जो है पुटेदार जो है वो आकर के अपना वहाँ से सागर करके वो वापस चले गए, किसी कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं चाह रहा हूँ कि आप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ तत्काल कड़ा कदम उठा करके कार्रवाई की जाए। राशन के लिए क्या हो रहा है? राशन 35 किलो मिला था, तो 10 किलो देना तो 35 किलो के यूनिट के हिसाब से मिलता है? नहीं 5 किलो नहीं, कौन कार्ड आपका कौन सा है? तो ये जो है 35 किलो नहीं दे रहे फर्स्ट टाइम? नहीं, 10 किलो 5 किलो। क्या कह रहे हैं? कान कितने मिलते हैं दे? आपने शिकायत किया इसके बारे में कहीं? तो क्या कार्रवाई हुई? कुछ न। आप अपना सभी लोग वही अंतोदय कार्ड के? नहीं सर, कुछ अंतोदय कार्ड है। आपके कोटेदार का क्या नाम है? कहाँ का रहने वाले हैं वो? काटा अपना कि मतलब घर पे लाओ वजन करो तो जो है कि 1 किलो पीछे 200-250 ग्राम कम मिलता है। अच्छा, काटा में भी चोरी किया? काटा में भी जो है कि किए है जो है, और जाके शिकायत करने में बोलते हैं कि चुपचाप जाओ नहीं तो फिर दोबारा तुम्हें जेल भेज दूंगा। जो भी किया है जेल देखो, जेल मतलब उसको हमने फंसाया हूँ और आज वो आवाज नहीं कर रहा है, अगर तुम भी करोगे तो यही एकदम यही हाल होगा। धमकी ज्यादा देते हो? 9 किलो देते हैं। क्या कहते हैं? कहते नहीं, हम लोग झगड़ा, हम झगड़ा नहीं करते हैं, जो पाते हैं वो लेकर चले आते हैं। पूछते नहीं कि आप कभी के एक कम क्यों दे रहे हैं? कहे नहीं कि हम भी इतना काटेंगे, पूछे थे कह रहे हम भी काटेंगे। क्यों काटेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है, यही मांग है, ये कोटेदार हटाइए, नया कोटेदार लाइए। नया कोटा होना चाहिए, रामफेर चिप्पा कोटा बर्खास्त होना चाहिए, नए कोटेदार की नियुक्ति होनी चाहिए। ये हम सब ग्रामवासियों का अनुरोध, सुनवाई नहीं की जा रही, पुराना कोटेदार फर्स्ट है, नया कोटेदार राजनीतिक, सामाजिक, कारोबार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुख करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल